हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कैनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर जी मैं बात करने वाला हूं फ़ी इंक्रीज़ के बारे में। तो काफ़ी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने फॉल इनटेक, जो कि सितंबर इनटेक है 2021 का, उसके अंदर फ़ी इंक्रीज़ की है ऑलमोस्ट $1,000 से $1,500 की। स्पेसिफिकली कॉनेशोगा कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कॉनेशोगा कॉलेज। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि उनकी भी फ़ीस इंक्रीज़ हो रही है, लाइक शेरिडन कॉलेज और काफ़ी कॉलेजेस एज वेल एज़ यूनिवर्सिटीज़ की भी इंक्रीज़ हो रही है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो फ़ीस होती है वो ऑप्शनल होती है एंड काफ़ी जो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटीज़ वाले, वो ऑन प्रेमिसेस लोगों के लिए है। एंड बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, सो इट इज़ अ गुड चांस कि आपको वो फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ईमेल टेम्पलेट जो आप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को भेज सकते हो, जिसके साथ होपफुली आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाए। इसके अलावा काफ़ी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिबेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कैनेडा के अंदर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं एंड जो ऑनलाइन अपनी दूसरी कंट्री से पढ़ाई कर रहे हैं। सो बहुत ही जैम पैक्ड एंड पैसे बचाने वाली वीडियो होने वाली है। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर हम बात करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है कॉनेशोगा कॉलेज का, आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो कि फ़ीस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होती है, हेल्थ प्लान फ़ी होती है, एसोसिएशन फ़ी होती है, अगेन इंटरनेशनल हेल्थ फ़ी होती है, लीगल प्रोटेक्शन एंड ऑल। सो ये ब्रेकडाउन होता है फ़ी स्ट्रक्चर का। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो है हेल्थ प्लान फ़ी एंड इंटरनेशनल हेल्थ फ़ी। सो ये जो होती है ये बेसिकली काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होती है जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है। बट बिकॉज आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो कैनेडा के अंदर, यू हैव अ केस, यू हैव अ पॉइंट जो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज को लिख सकते हो, बिकॉज यू विल नॉट बी यूटिलाइजिंग द इंश्योरेंस जो कैनेडा के लिए इम्प्लीमेंटेबल है। इंडिया में रहते हुए तो आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस वो आपको रिफ़ंड कर सकते हैं, इवन दो ये वाली फ़ीस जो है वो मैंडेटरी लिखी हुई है, बट इट इज़ ग्रेट चांस कि वो आपको ये रिफ़ंड कर सके अगर आप अपना पॉइंट वैलिड तरीके से यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को प्रोवाइड कर सको। सो मैंने इसके लिए एक ईमेल टेम्पलेट स्पेसिफिकली बनाया हुआ है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो दिखता है ऐसा। तो आप एक ईमेल लिख सकते हो इंटरनेशनल फ़ी डिपार्टमेंट को, एंड हर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का खुद का इंटरनेशनल फ़ी डिपार्टमेंट होता है, ईमेल एड्रेस भी होता है। कॉनेशोगा कॉलेज का मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। सो रिगार्डलेस अगर आप कॉनेशोगा कॉलेज में हो या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको लिखना है along the lines of I'm writing this letter to query about the below stated fees which are deemed to be mandatory in my program fee structure for May intake 2021, but I'm unable to understand what services will be provided for below stated associated fees to international students who can't even fly to Canada. So aapne ye point likh ke ye bol diya ki aap clarification mang rahe ho kuch ek fees ki jo maine abhi aapko bataya ki kaun si fees ho sakti hai jiski wajah se aapko kaafi paise bach sakte hain, एंड आपको फिर अब रीजनिंग देनी है कि आप क्यों ये वाली क्वेरी कर रहे हो, विच गोज़ अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ एज यू नो ड्यू टू COVID-19 रिलेटेड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंटेड बाय कैनेडा गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अनेबल टू फ्लाई टू कैनेडा, सो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड वॉट इज़ द यूज़ केस ऑफ फॉलोइंग फीस फॉर ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। सो इसके अंदर आ जाती है इंटरनेशनल हेल्थ फ़ी, हेल्थ प्लान, एसोसिएशन फ़ी एंड स्टूडेंट सर्विसेज, बिकॉज दीज आर द सर्विसेज एंड दीज आर द फीस जो वो लेते हैं इन पर्सन स्टडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएशन फ़ी हो गया या स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर काफ़ी जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, CSI इज़ लाइक एन इवेंट्स पार्टनर, वहाँ पर वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्री बीज प्रोवाइड करते हैं या इवेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब बिकॉज आप ऑनलाइन कर रहे हो ये सब, वो वैल्यू प्रोपोजिशन आपको नहीं मिल पाएगा। सो ये ईमेल भेज के आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है कि भाई क्या वैल्यू है एंड क्या रीजनिंग है इन फीस का, एंड दे विल हैव टू मेक श्योर कि वो आपको कोई करेक्ट आंसर दे, एंड उनके पास भी कोई रीजनिंग होना चाहिए, एंड इससे यू विल पुट देम इन अ टफ स्पॉट एंड उनको सोचना पड़ेगा। एंड सिर्फ एक बंदा अगर ये ईमेल भेजेगा उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं वो सभी, बी एट कॉनेशोगा कॉलेज या किसी और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को भी, आप ईमेल के ऊपर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें, बिकॉज दिस विल मेक देम थिंक कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन है काफ़ी, एंड दे विल मेक श्योर कि वो उनको एड्रेस कर सके। एंड इन टोटल इसको अगर हम मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट $1,000 तक सेव आप कर सकते हो अगर सभी जो फीस है वो
रिफंड हो जाती है, बट देर आर सर्टेन फीस जो ऑप्शनल होती है, जो आप विड्रॉ वैसे भी करवा सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है. फॉर एग्जांपल सीएसआई की इवेंट फी एंड कैंपस लाइफ है वो ऑप्शनल होती है, सस्टेनेबिलिटी फी है वो ऑप्शनल होती है, सीएसआई स्टूडेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है वो ऑप्शनल होती है, सीएसआई स्टूडेंट फ्रॉश किट फी है वो ऑप्शनल है. सो बिकॉज ये चीज़ें ऑप्शनल है, ये आपके ऑलमोस्ट अराउंड 100 से $200 तक सेव कर सकते हैं. अगर आपको ये वाली भी रिटर्न चाहिए है पैसे, तो आप ईमेल के अंदर लिख सकते हो समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ आई वुड लाइक टू गेट फॉलोइंग ऑप्शनल फीस बैक और क्रेडिटेड फॉर माय नेक्स्ट सेमेस्टर फी, बिकॉज ड्यू टू ऑनलाइन नेचर ऑफ कोर्सेज वी विल बी अनएबल टू यूटिलाइज देम. एंड आप लिस्ट कर सकते हो सभी ऑप्शनल फीस जो आपको रिफंड हो जाएंगे या आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्रेडिट हो जाएंगे, जिससे आपके थोड़े बहुत पैसे सेव हो जाएंगे. सो ये वाला जो ईमेल टेम्पलेट मैंने बनाया है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. तो सिर्फ एक बंदा अगर ये ईमेल भेजेगा तो उससे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है. आई वांट कि मैक्सिमम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपने रिस्पेक्टेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को ये ईमेल लिखें, ताकि उनके एक तो पहले पैसे सेव हो सके एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को भी पता चल सके कि वो बिना किसी को कंसल्ट किए फीस इंक्रीज कर देते हैं. एंड इससे थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा एंड दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इतने भी भोले नहीं है, दे नो व्हाट देयर राइट्स आर एंड व्हाट दे आर पेइंग फॉर. सो एक जागरूक कंज्यूमर बनो, नो व्हाट यू आर पेइंग फॉर. सो हमेशा अपनी फी स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिडन फीस इन्होंने लगाई होती है जो एक्चुअली यू कैन क्लेम बैक. इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट करे. एंड अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, सो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को अपनी फीस या तो रिड्यूस करनी पड़ेगी या थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द पीपल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी. सो इसके अलावा जी, कॉनेस्टोगा कॉलेज ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. तो उनको पता है कि काफ़ी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, सो उन्होंने $1,000 की सब्सिडी या बर्सरी प्रोवाइड करके रखी हुई है, जिसके अंदर प्रोवाइडेड है कि इफ़ यू बिगिन योर स्टडीज़ इन मे 2021, सो ये मे इनटेक के लिए है, रिमोटली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कैनेडा, मतलब आप किसी और कंट्री से हो विदाउट बीइंग इन कैनेडा, अंटिल दैट यू आर सेफ टू ट्रैवल, यू आर एलिजिबल फॉर $1,000 बर्सरी when you arrive and begin your next level of study in Canada. So इसका मतलब क्या है कि अगर आप मई इनटेक के स्टूडेंट्स हैं एंड आपने स्टडी अपनी ऑनलाइन शुरू कर दी हुई है कैनेडा से बाहर, विच कैन बी इंडिया, पाकिस्तान, वॉट एवर कंट्री यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम, एंड जब भी कैनेडा गवर्नमेंट अलाउ करती है ट्रैवल करने के लिए, आप ट्रैवल कर सकते हो इवन इफ़ यू आर इन मे इनटेक. एंड बिकॉज आपने मे इनटेक पहले ही शुरू कर दिया हुआ है, यू विल बी एलिजिबल फॉर $1,000 जो आप अपनी नेक्स्ट फीस के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पेइंग दैट ऑफ. सो कॉनेस्टोगा कॉलेज की तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. आई होप कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ एंड दूसरे कॉलेजेस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे. अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस भी ऐसी बर्सरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं. आई बी रियली इंटरेस्टेड टू नो, ताकि मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकूं अपार्ट फ्रॉम कॉनेस्टोगा कॉलेज. सो आई होप आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि सभी लोगों के पैसे बच सके. वीडियो अच्छी लगी हो तो जी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.